हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है क्वाड्रेंट। आइए देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट टू द फ्लोविंग एंगल, ये एंगल 55 डिग्री या 55 डिग्री लाइज। ये जो 55 डिग्री एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, आइए इसको देखते हैं पहले। हाँ जी, क्वाड्रेंट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो लाइन है, ठीक है दोस्तों। ये आपस में दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है दोस्तों। अब जब दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर चार चीज़ें, चार क्वाड्रेंट बनते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। अब जब दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एंगल मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक का कितनी डिग्री एंगल है दोस्तों, 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, हाँ जी ये भी 90 डिग्री का है और ये भी क्या 90 डिग्री है, 90 और 90 क्या है 180। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और यहाँ यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल 180 से छोटा है तो वो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ जी यहाँ पे भी 90 डिग्री, 90 180 और 180 और 90 270, यहाँ पे एंगल कितना 270 डिग्री का, ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पूछूँ ये एंगल कितने डिग्री का, यहाँ से ये 90, ये 90, ये 90, तो टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितने डिग्री हो गया, 270 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ ये एक सर्कल है, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का, ये टोटल एक सर्कल टोटल एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं, 360 डिग्री, यानी कि ये हो गया 360। अगर कोई एंगल 360 डिग्री से छोटा है तो वो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है दोस्तों। ये इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 55 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, आइए देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया था अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है, 55 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 55 डिग्री की जगह यहाँ पे होता 169 डिग्री, हाँ जी 169 डिग्री, 169 डिग्री कहाँ, 169 डिग्री 180 से छोटा है, तो यानी कि 180 छोटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 225 डिग्री, 225 डिग्री, हाँ जी 225 डिग्री क्या है, 270 से छोटा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे 320 डिग्री आ जाए, 320 डिग्री आ जाए, हाँ जी 320 डिग्री क्या है, 360 से छोटा है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 725 डिग्री और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है दोस्तों। ये एंगल 725 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आइए चेक करते हैं। हाँ जी, अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए 725 को पहले 300 इसको चेक करने के लिए 725 को पहले 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, 725 को मैं 2 × 360 प्लस में 5 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। 36 × 72 720 और 725, ठीक है दोस्तों। ये मैंने क्यों लिखा, आइए समझते हैं। जैसे हाँ जी ये दो लाइनें आपसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है 360 डिग्री, 360 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डिग्री में ये भी डिग्री में सारा एंगल है, ठीक है दोस्तों 360 डिग्री। हाँ जी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ गए 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, पर मुझे कितने चक्कर लगाने हैं, दो चक्कर, एक चक्कर और लगाते हैं, हाँ जी दो चक्कर कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गए हम, यहाँ पे आके स्टॉप हो गए, उससे आगे कितना बढ़ना है मुझे 5 डिग्री, बस आप यहाँ से मेज़र करो, आप एंगल यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से 5 डिग्री, यहाँ से 5 डिग्री कहाँ है, यहाँ से 5 डिग्री मेजर करना है, तो वो क्या 90 डिग्री के अंदर ही आएगा, तो 90 डिग्री के अंदर इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो यहाँ पे आ जाता आपका
725 डिग्री की जगह पे आ रहा था 1000 डिग्री। इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। 1000 डिग्री को सेम 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लो। हाँ जी 360 के मल्टी फॉर्म में लिखें क्या लिखा क्या आएगा 720, ये आ गया 720 और हाँ जी ये आएगा 720 प्लस में 280। ठीक है दोस्तों 720 में 280 जोड़ते हैं 1000 होता है, ये सारा क्या डिग्री में। ठीक है दोस्तों इसका मतलब क्या है, हाँ जी 360 के दो बार तो मुझे राउंड करने हैं, एक और दो। आप ऐसा ना करके डायरेक्ट कर लो 360 दो बार है, उसके बाद क्या है आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। ठीक है दोस्तों आप यहाँ से 280 डिग्री एंगल काउंट करो, यहाँ से 280 कहाँ पे बनेगा, हाँ जी यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे 180 बन गया, यहाँ पे 270 बन गया, यहाँ तक 270 है, 280 तो उसके बाद ही आएगा, उसके बाद आएगा मतलब यहाँ पे आ गया मान लो। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो डी का इसका आंसर क्या आ जाएगा डी फोर्थ। मान लीजिए आपके पास अब आ जाए 3800 डिग्री। ठीक है दोस्तों ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आइए चेक करते हैं। हाँ जी 3800 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 गुणा में 360, हाँ जी कितना हो गया 36 हो गया, प्लस में कितना रह गया 200 डिग्री एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है दोस्तों वैसे ही करना है, ये बनाना है, हाँ जी इसके 10 बार रेवोल्यूशन करेंगे तो यहीं पर आके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ से 200 डिग्री एंगल काउंट कर लो, यहाँ से 200 डिग्री एंगल काउंट करेंगे, हाँ जी यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 180 के बाद ही आएगा 200 और 180 के बाद 200 आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 270 से छोटा है 200, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और इसका आ जाएगा सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग एंगल, ये कोई एंगल है माइनस के 45 डिग्री लाइज। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एंगल क्या है माइनस में है। ठीक है दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ठीक है आइए समझते हैं। जैसे ये मेरे पास दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों हाँ जी ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है दोस्तों जब भी कभी एंगल माइनस में हो, माइनस में ना यहाँ पे, और ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है इसको कैसे करेंगे, जैसे जब क्वेश्चन जब एंगल पॉजिटिव में था, यहाँ पे 45 डिग्री था, तो मैं क्या करता था 90 180 270 360 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं ना। ठीक है तो इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉक बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों हम एंटी क्लॉक वाइज चलते थे। ठीक है अब जब ये एंगल माइनस में है, ठीक है दोस्तों क्वाड्रेंट तो सेम रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, बस जो मुझे एंगल मेजर करना है ना वो अब होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैसे बता देता हूँ आपको, पहले मैं क्या चल रहा था एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक बोलते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, और क्लॉक वाइज बोलते हैं ऐसे। ठीक है अब मुझे क्या चलना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैसे एंगल को यहाँ से मेजर करना है। ठीक है दोस्तों ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है हाँ जी ये क्या हो गया 180 डिग्री, ये क्या हो गया 270 डिग्री, और ये क्या हो गया 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों आई होप आपको समझ आएगा, आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये माइनस के 45 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, और माइनस के 45 डिग्री आप खुद ही देख लो, हाँ जी यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, आप माइनस साइन मत देखो सिर्फ 45 डिग्री देखो, 45 डिग्री तो 90 इसी के बीच में आएगा, ये यहाँ पे एंगल क्या 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री इसी के बीच में आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बस ये याद रखना है जब एंगल माइनस में हो तब मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्वाड्रेंट सेम रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सेम चीज़ें रहेंगी, बस अब एंगल मैं इसको 90 डिग्री मान रहा था अब इसको 90 डिग्री मानूंगा, 90 180 270 और 360 रोटेट उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब 45 डिग्री था ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग एंगल, ये कोई एंगल है मेरा माइनस के 870 डिग्री, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए सबसे पहले इसको 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ जी 720 और 150 870 होते हैं। ठीक है दोस्तों अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी ये आ गया। ठीक है दोस्तों अब इसको कैसे करना है, पहले 360 की दो बार रेवोल्यूशन, सेम वही स्टेप, हाँ जी यहाँ से स्टार्ट होंगे, अब क्या चलना है मुझे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है, यहाँ से आए यहाँ पे आ गए यहाँ पे आ गए यहाँ पे ख़त्म हो गया।
ठीक है दोस्त। उसके बाद कितना कितना आगे बढ़ना है मुझे, 150 डिग्री बढ़ना है आगे, 150 डिग्री यहाँ, 150 डिग्री यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना है 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 180 डिग्री, हाँ जी 150 तो यहाँ आएगा, फिर 150 डिग्री आएगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा था मेरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ठीक है दोस्तों। इस केस में नेगेटिव के केस में थर्ड क्वाड्रेंट था, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा राइट आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल, ये जो कोई एंगल है माइनस के 1930 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है दोस्तों। आइए करते हैं, सबसे पहले इसको 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 × 360, हाँ जी कितना हो गया, 0 × 6 = 30, 1800 हो गया, और 1800 में 130 और ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये आ जाएगा 1930, ठीक है दोस्तों। माइनस अंदर, माइनस के 5 × 360 और माइनस के 130 डिग्री, ठीक है दोस्तों। आइए अब 360 को 5 बार रोटेट कर दो, ये क्या माइनस में है तो एंटी माइनस में है तो क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 बार रोटेट करेंगे तो यहीं पे आगे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से 130 डिग्री चलना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में 130 डिग्री चलना है, ठीक है, हाँ जी ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, वो 130 तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 180 या 130 डिग्री यहाँ पे आएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो नेगेटिव है तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।